सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज अटक अदालत से रिहा। एक और मुकदमे में दोबारा चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अटक की मकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे को नाकाफी शवाहिद के बिना पर खारिज करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया। बुध की सुबह इमरान रियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अटक की मकामी अदालतों के रूबरू पेश किया गया। तहम दोनों अदालतों के जजों ने इस केस को अपने अपने दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंकर के वकला को लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने जबकि अटक की अदालत ने इन्हें रावलपिंडी एफआईए की अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए थे। इसके बाद इमरान रियाज को रावलपिंडी में एफआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें अटक सिविल जज के सामने दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। वकील का कहना था, क्या कोई है जो इस केस को आगे लेकर जाना चाहता है? वकला का मौकफ था कि इमरान रियाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले रखी थी, ताहम इसके बावजूद इन्हें इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ही ने अदालत की इस दरख्वास्त पर समाअत बुध के रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चूंकि इमरान रियाज की गिरफ्तारी सुबह पंजाब की हदूद में हुई है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी नहीं की बल्कि पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इमरान रियाज ने गिरफ्तारी देने से कबल गाड़ी में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें उन्होंने पैगाम दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे अंदर बंद कर दें या जान से मार दें। एंकर इमरान रियाज पर अटक के अलावा लाहौर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, पखर, सरगोधा, कालाबाग, कुजरावाला, झंग, टोबाटेक सिंह और मुतअद्दिद दीगर शहरों में एफआईआर दर्ज हैं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर खासा रद्देमल देखने में आ रहा है और इस हवाले से ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। इस बारे में रद्देमल देते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वो इमरान रियाज की बिला जवाब गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि फासिस्ट हुकूमत तनकीद को दबाने के लिए तीसरे दर्जे के हथकंडे इस्तेमाल करेगी। उम्मीद है अदालतें खुलेंगी और इंसाफ होगा। मुश्तबा शख्स या मशकूक सरगर्मियों की इतला शहरी फौरी तौर पर मददगार 15 को दें। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन ने पुलिस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कुर्बानी की खालों को इकट्ठा करने, इनकी तरसील और तकसीम के हवाले से महकमा दाखिला सिंध की हिदायत पर अमल किया जाए। मस्जिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और दीगर इज्तमाई कुर्बानी के मकामात पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम किए जाएं। तमाम मकामात की नमाज ईद से कबल स्वीपिंग और क्लियरेंस के अमल को मुकम्मल किया जाए। कयाम अमन की सूरत हाल पर मुकम्मल पुलिस कंट्रोल के जिम्मन में तमाम तर काविशों को यकीनी बनाया जाए। ईद के तीनों दिनों में मुतलका इलाकों में पुलिस डिप्लॉयमेंट के तमाम तर वेलफेयर इकदाम को यकीनी बनाया जाए। किसी भी इलाके या मकाम पर मशकूक सरगर्मी, मुश्तबा गाड़ी, पैकेट, बैग, पार्सल, थैला, ब्रीफ केस वगैरह दिखाई देने पर फौरी इतला मददगार 15 कॉल सेंटर, SSP दफातर, करीबी थाना चाट, गश्त पर मामूर अफसरान और जवानों को दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, बिजनेस रोड, सदर, मिठदर, नर्सरी समेत कई इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 39.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी। मसरूर बेस पर 29, गुलशन मामार में 27.6, नॉर्थ कराची में 25.9 मिलीमीटर बारिश हुई। जिन्हा टर्मिनल पर 11, सादी टाउन में 14.3 और यूनिवर्सिटी रोड पर 13.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 12.5, किमाड़ी में 10.7, DHA फेज 2 में 9.2, फैसल बेस पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में सुबह से जारी बारिश के बाईस जल थल एक हो गया। बारिश का पानी जमा होने से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें जेरे आब आ गयी जिसके बाईस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। नकासी का अमल न होने से पुलिस मोबाइल समेत मुतअद्दिद गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। शहर के कई इलाकों में सड़कों में गढ़ों के बाईस गाड़ियां उलट गईं। नेफरा ने कराची के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 9.52 रुपए का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूली जुलाई और अगस्त के बिजली के बिलों में की जाएगी। जुलाई के बिलों में 2.63 रुपए फी यूनिट वसूल किया जाएगा। अगस्त के बिलों में 6.89 रुपए फी यूनिट वसूली होगी जबकि एडजस्टमेंट का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।